ऑनलाइन स्टडी क्लास वीडियो चैनल नई राह में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास 10 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विकास करना या संसाधनों को विकसित करना, यह प्रक्रिया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहलाती है। सम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, दे हैव टू बी प्रोसेस्ड टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग अवर वॉन्ट्स। कुछ संसाधनों का उपयोग हम सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें विकसित करना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लैंड हैज़ टू बी क्लियर्ड एंड प्लॉट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे भूमि को साफ करना होता है उसमें फसल लगाने के लिए, इसी तरीके से वाटर हैज टू बी टेकन टू द फील्ड टू इरीगेट। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल्स वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका इतना अधिक उपयोग किया है जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया है। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, दैट इज रिच एंड पुअर और हैव्स एंड हैव नॉट्स। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। एक वो लोग जो संसाधन संपन्न है यानी अमीर, और एक वो लोग जो संसाधनहीन है अर्थात गरीब। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इकोनॉमिकल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। संसाधनों के बहुत अधिक उपयोग करने से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, यानी कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। यदि कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा या देशों के द्वारा संसाधनों का जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है इसी तरीके से जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत पोषणीय आर्थिक विकास। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है इसका भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकता है वो बनी रहे। यानी अगर हम वर्तमान में जो संसाधनों का विकास कर रहे हैं वो इस तरीके से करें कि इससे न तो वर्तमान में हमारा जो पर्यावरण है वो खराब हो, और साथ ही साथ भविष्य में भी इन संसाधनों का उपयोग हम कर पाएं, तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज many of the resources are non-renewable and exhaustible. Over exploitation of these resources will affect the needs of our future generation. संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो non-renewable हैं या अनवीकरणीय हैं, और यदि हमने उनको बहुत अधिक उपयोग कर लिया तो भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे। Environmental pollution has become a major threat to the survival of human beings. इस तरीके से पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो मानव जीवन के लिए खतरा है।
रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, यहीं पर हम एक चर्चा करेंगे रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 की, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अभी एजेंडा 21 क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षेत्र, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की, यानी संसाधन नियोजन। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्लानिंग एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some resources. कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थलीय क्षेत्र देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। रिसोर्स प्लानिंग, आखिर भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से हो? रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, सर्वेइंग, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज एंड द क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। नंबर टू, प्लानिंग फॉर एक्सप्लोटेशन, डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स।
संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशियंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश इज रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाई प्लानिंग। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण। प्लांड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का एक उचित तरीके से, नियोजित तरीके से उपयोग करना, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी बचा कर रखना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। इट इज नेसेसरी बिकॉज मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। संसाधनों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ संसाधन अनवीकरणीय होते हैं और यदि हम उनका प्रॉपर उपयोग न करें, अत्यधिक उपयोग कर लें तो वो समाप्त हो सकते हैं, और यदि हम संसाधनों का उचित तरीके से, नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे तो भविष्य में लंबे समय तक हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और संसाधनों का संरक्षण करने से हम उनके दुरुपयोग को भी रोक सकते हैं और साथ ही साथ हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। संसाधनों के संरक्षण से हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। आइडियाज ऑफ गांधी जी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। According to Gandhiji, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Gandhiji ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, यानी ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाई मासेस। गांधी जी बहुत अधिक उत्पादन के खिलाफ थे और इसके स्थान पर वो चाहते थे कि बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो, यानी बहुत अधिक उत्पादन न हो बल्कि बहुत लोगों द्वारा उत्पादन हो। लैंड एज अ रिसोर्स, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भू संसाधन, यानी भूमि एक संसाधन के रूप में। लैंड इज द हैबिटेट ऑफ मैन। हम भूमि पर रहते हैं। All the economic activities are performed on land. The soil cover on the land is essential for plant growth. So land is necessary for agriculture. Land is used to set up industrial unit. भूमि पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। Roads and railways are built on the land. Commercial activities also require land. Natural vegetation and wildlife are supported by land. प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of
utmost importance. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप आदि. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है. Mountains account for 30%. This region is rich in water resources. पर्वत भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, यानी लगभग 30% एरिया पर्वतों का है. वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. About 27% of the area is plateau region. This region is rich in minerals, fossil fuels and forest. देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है. इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है. एक पाई चार्ट आपके सामने है. लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स: प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30%, प्लेट्यूज 27%. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भू निम्नीकरण के कारण किन वजहों से भूमि खराब होती है. लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड. सॉइल इरोजन का कारण है रनिंग वाटर और विंड. डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. इसके अलावा फैक्ट्रीज से निकलने वाला या माइनिंग से निकलने वाला जो वेस्ट है उसे डंप कर देना, कहीं पर रख जमा कर देना, जिससे भूमि खराब हो जाती है. ओवर इरीगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्किनिटी इन द सॉइल. बहुत अधिक सिंचाई की वजह से भी भूमि खराब हो जाती है. ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड डिफॉरेस्ट्रेशन बाई मैन. जानवरों के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करना या पेड़ों का कटान करना, इसकी वजह से भी भूमि खराब होती है. वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पॉल्यूट द लैंड्स. इसके अलावा इंडस्ट्रीज का जो खराब पानी है, वेस्ट वाटर है, उसके द्वारा भी भूमि खराब हो जाती है. मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट एंड दिस डस्ट इज डिपोजिटेड इन द नेबरिंग लैंड. लैंड कंजर्वेशन मेजर्स. अब आवश्यकता है भूमि को बचाने की, भूमि संरक्षण की. तो किस तरीके से हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, आपको सामने चित्र दिखाई दे रहे हैं. पहला चित्र है टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेत. हिली एरियाज में भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं. दूसरा चित्र है शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि खेतों के किनारे में पेड़ लगाए जाते हैं. और तीसरा चित्र है राजस्थान का, जहाँ पर थॉर्नी बुशेस, कंटीली झाड़ियाँ उगाई जाती हैं. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, एनक्रेजिंग एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज. सॉइल इरोजन को रोकने के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन को कम करना होगा, पेड़ों का कटान कम करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ग्रेजिंग को कंट्रोल करना होगा और इसके अलावा टेरेस फार्मिंग, हिली एरियाज में, पहाड़ों में हमें टेरेस फार्मिंग करनी होगी, सीढ़ीदार खेत बनाने होंगे. प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट्स. माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड. न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड. हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी नियंत्रित करना होगा. इसके अलावा नई तकनीकी का उपयोग करना होगा, जिससे हम
जो वेस्टेज हैं उसे कम कर पाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें केमिकली सही करना होगा, ट्रीट करना होगा, जिसकी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे रोका जा सके। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मैन्योर। जो अर्बन वेस्ट है उसका उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जा सकता है। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मैथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड। अत्यधिक सिंचाई या ओवर इरीगेशन को हमें रोकना होगा और सिंचाई के जो नए तरीके हैं उन्हें अपनाना होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।